नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें शादी करने से पहले महिलाओं में पाए जाने वाले गुण और अवगुणों की अच्छे से पहचान कर लेनी चाहिए। आज हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं की पहचान करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानते हैं। चाणक्य के अनुसार एक महिला के चरित्र को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह तरीका ऐसी महिलाओं की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जिन्हें जानकर हम आसानी से धोखेबाज महिलाओं की पहचान कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार कोई भी महिला को नहीं समझ सकता है। भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। इस देवी को समय समय पर समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। प्रकृति ने स्त्री में कोमलता और स्नेह का गुण प्रचुर मात्रा में दिया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में ऐसे कई बातें बताई हैं जो लोग उन बातों को सोचते और उनका पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और छल आदि की भावना नहीं आती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जा सकती है। इसी तरह आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताए हैं जिन्हें जानकर आप किसी चरित्रहीन महिला के प्यार में नहीं पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के अनुसार चरित्रहीन महिलाओं के बारे में। यह सारे गुण हर महिला में देखने को मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी नहीं है। हमारा समाज नारी को परिवार की शान मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दी जाती है कि परिवार के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। चाणक्य ने बताया है कि नारी जाति अत्यंत पूजनीय जाति है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बुरे चरित्र और चरित्रहीन के कारण उनसे जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाएं केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं जानती हैं। आपके मन में यह सवाल हमेशा आता होगा कि चरित्रहीन महिला की पहचान कैसे करें। इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है। चरित्रहीन महिला की पहचान भी ऐसी होती है कि कुछ महिलाएं जिनका आचरण परिवार के विनाश से होता है, वहीं महिलाओं को सामाजिक भाषा में अशुभ या को लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान तब तक संभव नहीं है जब तक कि मैं अच्छी तरह से जानी पहचानी नहीं। व्यवहार को देखकर नैतिकता का पता लगाया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं के चेहरे, आचरण, व्यवहार को देखकर उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, वही ऐसे लक्षणों के कारण इसे अशुभ माना जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिला के लक्षण, यह महिलाएं दिल और जीव का संतुलन नहीं बना पाती हैं। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और उनकी जुबान में कुछ और चल रहा है। चरित्रहीन महिलाओं कारण बनती हैं जिन महिलाओं के हाथों की नसों में हथेली के आकार या सपाट हथेली के आकार में अंतर होता है, तो ऐसी महिलाएं जीवन भर सुख और धन से रहित रहती हैं। जिस स्त्री की आंखें पीली और डरावनी होती हैं, उस स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और भूरे रंग की होती हैं, वह बहुत अच्छी मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला किसी भी उपलब्धि के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। गर्दन की लंबाई चार अंगों से अधिक होती है, वह स्त्री अपने ही वंश के विनाश से बनती है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है।